कोविड महामारी के दौरान बीजेपी ने आगामी दिनों में होने वाले नगर निकाय और ग्राम पंचायतों के चुनावों के लिए कमर कस ली है। बीजेपी ओबीसी प्रकोष्ठ की पहली प्रत्यक्ष बैठक का आयोजन हमीरपुर बीर कमल में आयोजित किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बैठक में आगामी दिनों की रूपरेखा तय की गई। बैठक में विशेष तौर पर बीजेपी ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष ओपी चौधरी ने शिरकत की। इस मौके पर भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रसील सिंह मनकोटिया भी मौजूद रहे। बीजेपी ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के द्वारा बीजेपी की बैठकों को लेकर फिजूल के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि केवल पदाधिकारियों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कोरोना बचाव के लिए एहतियात बरती जा रही है। कोविड के चलते जो सराहनीय कदम नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिए हैं और जयराम की सरकार ने लिए हैं, वो बहुत ही सराहनीय हैं। इसके लिए ऑब्जेक्शन लगाना आसान है, ऑब्जेक्शन कोई भी लगा सकता है, कोई भी पार्टी लगा सकती है, लेकिन सरकार ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं इसके लिए, तभी ये हिमाचल में इतना कंट्रोल रहा है इसके ऊपर। हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही हमने पहले ही तय कर दिया कि खाली हम पदाधिकारियों की ही बैठक ले रहे हैं, हम ज़्यादा क्राउड पब्लिक या कार्यकर्ताओं को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। हमने अपने संगठन को चलाने के लिए खाली पदाधिकारियों की ही बैठक ली है और उसको हमने सोशल डिस्टेंसिंग का और कोविड का पूरा ख्याल रखा है। इसमें प्रदेशाध्यक्ष ओपी चौधरी ने कहा कि बीजेपी मिशन रिपीट की ओर बढ़ रही है और बीजेपी हाईकमान के निर्णय के अनुसार वर्चुअल के साथ प्रत्यक्ष तौर पर भी पदाधिकारियों से मुलाकात की जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्चुअल से मेलजोल में कमी आ रही थी, जिसके चलते ही आज पहली बार प्रत्यक्ष तौर पर पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी रूपरेखा तैयार की गई है। काफी दिनों से हर जिला की मंडल की वर्चुअल में रैलियां कर रहे थे, जैसे जैसे हम रिपीट मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, साथ साथ हम ये भी चाह रहे हैं थे कि ज़्यादा तो नहीं लेकिन खाली पदाधिकारियों की मीटिंग ही हम एक्चुअल में भी करें, तो ये पार्टी हाईकमान ने निर्णय लिया कि वर्चुअल के साथ साथ हम एक्चुअल में भी अपने लोगों से मिलें, क्योंकि जब से मोर्चे का गठन हुआ है तब से हम अपने जो पदाधिकारी बनाए हैं मोर्चे के या पार्टी के, उनसे किसी का आपस में मेलजोल नहीं हो रहा है। वर्चुअल में तो हम हर हफ्ते 15 दिन में बैठे करते हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं हो रहा है, तो एक हाईकमान ने निर्णय लिया कि क्यों ना हो कि खाली पदाधिकारियों से ही हम ये बैठक करें। तो आज हमने हमीरपुर जिला की ओबीसी मोर्चे की आदि मनकोटिया जी की अध्यक्षता में मीटिंग बुलाई थी। प्रदेशाध्यक्ष ओपी चौधरी ने बताया कि आने वाले पंचायत और नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर तैयारी की जा रही है, तो विधानसभा चुनावों के लिए भी कमर कस ली है। उन्होंने बताया कि सभी मोर्चों को टारगेट दिया गया है कि हर मोर्चा 10-10 अपने कार्यकर्ता नए जोड़ेगा और जब तक अभियान को सुचारू ढंग से नहीं चलाया जा सकता है तब तक काम करना मुश्किल होगा। पंचायतों के इलेक्शन हैं और साथ में ही हमारे जो अभी आने वाले विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं 2022 में, उसके लिए भी हम आज से ही हमने काम शुरू कर दिया है। इसके लिए हम पर जिला पर मोर्चा अपनी बैठक ले रहा है। अभी पूरे प्रदेश में ये कार्य शुरू हो गया है, पार्टी की तरफ से भी टारगेट दिया गया है कि पर बूथ पे 20 कार्यकर्ता जोड़ें, उसे सभी मोर्चों को टास्क दिया गया है कि आप पर मोर्चे की तरफ से 10-10 अपने कार्यकर्ता जो मोर्चे की तरफ से पर बूथ पे जोड़े। वन बूथ 10 यूथ का हमने एक मिशन, एक अभियान शुरू किया है। जब तक हम इस चीज़ को, इस अभियान को नहीं चलाएंगे तो काम करना बड़ा कठिन हो जाएगा। और हम मिशन रिपीट की तरफ बढ़ रहे हैं, 2022 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमने सरकार को पुनः एक बार रिपीट करना है। जिला ओबीसी मोर्चा की आज एक्चुअल पहली बार जिला के पदाधिकारियों की बैठक हो रही है और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज की इस बैठक में मार्गदर्शन करने के लिए हमारे प्रदेश के मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष श्री ओपी चौधरी जी और महामंत्री श्री राजकुमार धनोटिया जी और उपाध्यक्ष श्रीमती नीलम चौधरी जी भी यहाँ आए हैं।
तो मैं इनका सबसे पहले तो हमारी बैठक में आने का स्वागत करता हूं, और मुझे पूरी आशा है कि आज हमारे जो पदाधिकारी इसमें बैठक में आए हैं, जिन्होंने पूरी इस कोरोना काल में पूरी अपनी मास्क लगा करके और पूरी सोशल डिस्टेंस के द्वारा हमारी ये बैठक हो रही है। इस बैठक में हमें बहुत कुछ आज आदेश जो मिलेंगे उस पर हम अक्षरशः अमल करेंगे।